Honorable Member Kesha Prasad Maurya. Manya Daji. मैं धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत मुझे बहुत देर में जानकारी मिली बहुत बहुत आभार. मैं अभी प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों के ऊपर जो आफत आई है वास्तव में उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है. और मैं सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देने का काम करूंगा कि जो क्षति है उस क्षति पहले 50% पर उन्होंने बात कही थी सरकार की व्यवस्था थी लेकिन 33% की क्षति होने पर भी किसानों को मुआवजे की उन्होंने व्यवस्था की है. मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं. और जो 50% मतलब जो 1.5 गुना मुआवजे की राशि को जो बढ़ाने का काम किया है उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ. और अगर मैं चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद की फूलपुर लोकसभा से चुनकर के आता हूं और यहां सदन में हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी बैठे हुए हैं वास्तव में दशा क्या है प्रदेश की. अभी चूंकि किसानों का दर्द समझने का काम अगर जमीनी स्तर पर जाकर के किसी ने किया है तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे गृह मंत्री जी ने जाकर के किया है. प्रदेश सरकार तो बदले की भावना से भेदभाव करते हुए वहां जो सर्वे का काम चल रहा है उस सर्वे के काम में इतना भेद है इतनी अव्यवस्था है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के कई गांव जो पूरी तरह से तबाह हो गए चाहे वह रबी की फसल हो और चाहे वह गेहूं की फसल हो चाहे आलू की फसल हो सबका सब पूरी तरह से समाप्त हो गया है. लेकिन मुआवजे के नाम पर मैं अभी 2 दिन पहले अपने क्षेत्र में भ्रमण करके वापस आ रहा हूं लेकिन अभी उनका सर्वे का काम नहीं पूरा हो पाया. समाचार पत्रों में नित्य आप देख रहे हैं किसानों के द्वारा आत्महत्या की जा रही है. मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को भी निवेदन करूंगा क्योंकि मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं वहां 85% किसान कह सकता हूं उनके पास हेक्टेयर में उनके पास जमीन नहीं है उनके पास बीघों में जमीन है. इसलिए जो मुआवजे की व्यवस्था है प्रदेश सरकार के द्वारा जो अव्यवस्था की जा रही केंद्र सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है लेकिन किसानों में वितरण का काम इतना शिथिल है सर्वे का काम इतना शिथिल है कि किसान उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा है. और प्रतिदिन आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या माननीय सभापति जी वो बढ़ती जा रही है. मैं जिस प्रकार से चूंकि मैं एक किसान का बेटा हूं मैंने स्वयं अपने हाथों से खेत के अंदर काम किया है और किसान की जो कठिनाई होती है उसको मैं जानता हूं. किस प्रकार जब वो फसल की बुआई करता है तमाम प्रकार के कष्ट सहता है माननीय सभापति जी और कष्ट सह करके अगर खेती में कुछ पैदा होता है तो पैदा होने वाला जो सामान होता है माननीय सभापति जी उस सामान में से जो सबसे खराब सामान है जो बाजार में बिक नहीं सकता वह उसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखता है और जो बिकने वाला होता है वो बाजार में चला जाता है. किसान बहुत इस समय कठिनाई में है दर्द में है. मेरे केंद्र सरकार की ओर से जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है उस राशि का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है समय से नहीं हो रहा है. कहते का वर्षा जब कृषि सुखानी आज किसान के ऊपर आफत आई है उसे अपने बच्चों का एडमिशन कराना है उसे कोई बेटी की शादी करना था तो शादी के संकट उसके सामने दिखाई दे रहा. मैं अपने बेटी का विवाह किस प्रकार से करूंगा उसने सोचा था किसी प्रकार से मैं अपनी जो झोपड़ी है उसमें रहने के लिए कुछ ठिकाना बनाऊंगा तमाम प्रकार के सपने देखे थे लेकिन वह सपना चकनाचूर हो गया क्योंकि यह प्राकृतिक आपदा के कारण जो संकट आया है किसानों के ऊपर मेरे जानकारी के अनुसार कम से कम मैं भी 30-32 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं लेकिन इस प्रकार का संकट कभी नहीं आया था. इस संकट से बड़ा किसान आहत है. मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं प्रदेश सरकार जो लापरवाही बरत रही है जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए. लेकिन जो मुआवजे की व्यवस्था है किसान को तब तक हम सुखी नहीं देख पाएंगे जब तक अगर खेत के अंदर वह जो भी बोता है खेत के अंदर बुआई होती है लेकिन वह कट करके फसल और उगा करके अपने घर वापस लेकर के आने के बीच में इतने संकट रहते हैं कि उस संकट को ताकते ताकते अब जब फसल को कट करके घर आना चाहिए तब प्राकृतिक आपदा हो गई.
मैं आज यह सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि अब फसल के बीमा का प्रावधान होना चाहिए, और उस प्रावधान के अंतर्गत या नहीं कि किसान उसकी जो बीमे की राशि है, बीमा कराने की राशि किसान नहीं दे सकता, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। जो परिवार किसानी पर निर्भर है वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता, बीमार हो जाए दवा नहीं कर सकता, बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता। इस प्रकार के संकट का सामना किसानों को करना पड़ता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि फसल का बीमा कराया जाए, और बीमा कराने के बाद किसान को अगर एक बीघा फसल उसकी क्षति होती है तो उसे कम से कम 10,000 रुपए मुआवजा दिए जाने का प्राविधान किया जाना चाहिए। इस आपदा में भी मैं मांग करूंगा प्रदेश सरकार जो जिस प्रकार से लापरवाही, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किसानों के प्रति जिस प्रकार से संवेदनहीनता का परिचय दिया जा रहा है, किसी गांव में केवल बयानबाजी हो रही है, अखबारों में भारत सरकार से पैसा जा रहा है उसका बांटने का भी काम नहीं हो रहा है, इसकी भी जांच कराई जानी चाहिए। इस प्रकार का भेद कौन कर रहा है, कौन अधिकारी इसके लिए दोषी हैं, ऐसे अधिकारियों की पहचान करके उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। माननीय सभापति जी महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करूंगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछली फसल भी गड़बड़ा गई थी और यह फसल भी गड़बड़ा गई, और मुआवजे की राशि देने के नाम पर जितनी लापरवाही है उस लापरवाही के कारण मेरा किसान जो तबाही, उसकी एक समय सीमा निर्धारित की जाए। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो अगर हम 6 महीने सर्वे करने में लगा देंगे तो जो पीड़ित किसान है उसको हम राहत पहुंचाने के काम करने की जगह उसको कष्ट देने का काम करेंगे। इसलिए एक समय सीमा, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है कोई 10 दिन 15 दिन की एक समय सीमा, और जो अधिकारी 15 दिन के अंदर किसानों के जो संकट के समय सर्वे करके रिपोर्ट देकर उसको राहत पहुंचाने में लापरवाही बरते उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।